My dear students, a very good morning to all of you. This is me, your science teacher, Kausar Bashir, teacher UPS Mir Mohalla Chipura. Today, I am going to teach you a new topic from your textbook of science, that is metals and nonmetals. Dear students, let us start. आपने घर में बहुत सारे materials देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे कि iron है, एलुमिनियम है, कॉपर है, ये सब चीज़ें, ये मटेरियल्स देखे होंगे. अगर हम इनको अलग अलग करेंगे, इनमें आधे मटेरियल्स मेटल्स के बने होंगे और आधे नॉन मेटल्स के बने होंगे. अब हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम अलग कैसे कर सकते हैं. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मेटल्स को हम नॉन मेटल्स से अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. इसमें पहले एक वर्ड आता है मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी क्या होता है? मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. मेलेबिलिटी क्या होता है? ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है, उससे हम मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, इसको हम बीट, अगर हम बीट करेंगे हैमर से, तो हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होता है? ये भी मेटल्स की प्रॉपर्टी है. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. डक्टिलिटी भी मेटल्स की प्रॉपर्टी है. इससे हम क्या कर सकते हैं? मेटल्स को हम वायर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं. अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, उनमें चमक होती है, उनमें शाइन होती है. दे आर डक्टाइल, उनको हम वायरस में कन्वर्ट कर सकते हैं. दे आर मेलेबल, उनको हम बीट करके उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस मतलब अगर हम उनको बीट करेंगे तो उनसे रिंगिंग साउंड आएगी, उनसे एक आवाज़ निकलेगी. एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं. दैट मीन्स उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. अब हम देखेंगे, पहले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे मेटल्स. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स? आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब मेटल्स हैं. मगर इसमें एक एक्सेप्शनल केस है. ये जो मेटल्स होते हैं ये डक्टाइल और मेलेबल होते हैं, हार्ड भी होते हैं. मगर मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ. जो एल्युमिनियम है, जो सोडियम है और पोटेशियम है, ये भी मेटल्स है, मगर ये बहुत सॉफ्ट होते हैं. उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं और पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. और भी एक एक्सेप्शनल केस है. ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी. जो मरकरी है वो भी एक मेटल है, मगर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है. ये एक एक्सेप्शनल केस है. अब हम चलेंगे नॉन मेटल्स की तरफ. नॉन मेटल्स जो होते हैं, अगर हम उनको बीट करेंगे हैमर से, दे ब्रेक इनटू पाउडरी मास. अगर हम उनको बीट करेंगे हैमर से, उनको एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसके मेटल्स, अगर मेटल्स को हम बीट कर सकते हैं, बीट करेंगे तो वो एक थिन शीट बनेगा. मगर अगर हम नॉन मेटल को बीट करेंगे वो एक पाउडर बन जाएगा. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होती है. जैसे लकड़ी वगैरह है, या सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, इनमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होंगी, क्योंकि जो नॉन मेटल्स है दे आर बैड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.